माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेल। और ये लास्ट नाइट को मैंने किचन को घिस घिस के साफ़ किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि नहाए खाए का खाना बनाना है। सुबह उठते से ही थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाए। वो कहते हैं ना, जूठे घर में हमारे यहाँ बोलते हैं कि काम नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर लगा देती हूँ। बाकी जब मेड आती है तो वो लगाती है। फिर मैं यहाँ पर बर्तन लगा रही हूँ, जो डेली यूज़ के बर्तन हैं वो मैं अपनी जगह पर बिठा देती हूँ। एक भी बर्तन बाहर नहीं रखूंगी, तो उसमें भी 15-20 मिनट मेरे चले गए। फिर क्रॉकरीज वगैरह। माय यूट्यूब फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? और मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। मैं 5 बजे उठने वाली थी, सोची थी 5 बजे उठकर नहाना वाना, सारे बेडशीट वगैरह चेंज करना वो हो जाएगा, बट नींद ही नहीं खुली। एक्चुअली क्या, संडे नाइट 1 बजे तक सोए, थोड़ा स्क्रब पैक वगैरह लगाया तो लेट हो गया थोड़ा सा, और जीतू भी मस्ती के मूड में था तो नींद हुई नहीं, तो उठ नहीं पाई। फिर भी 7 o'clock उठ गई हूँ, और उठते से ही सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर हेयर वॉश की, और फिर अभी आ गई हूँ किचन में। जो मेरे जो डेली यूज़ के जो बर्तन है उसमें मैं नॉनवेज भी बनाती हूँ, तो पूजा पाठ के लिए, मतलब फास्टिंग वगैरह के लिए मैं बर्तन अलग रखी हूँ, तो सारे बर्तन हटा दी हूँ कि कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो अभी जाने पहले बर्तन निकाल लेती हूँ, जो जिसमें मुझे खाना आज का बनाना, आज नहाए खाए है ना, तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, तो बर्तन सारे निकाल के पहले जगह पर लगा देती हूँ, फिर बनाना शुरू करूँगी। मैं नहा तो ली हूँ, हेयर वॉश करके बिंदी भी नहीं लगाई, काजल भी नहीं लगाई। ऐसा तो बोलते हैं कि नहाने, मतलब जिस दिन हेयर वॉश करते हैं ना, उस दिन काजल नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं मानते। एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छा है यहाँ के किचन में कि मॉड्यूलर है, तो ये जो बिग साइज़ वाला जो एक ड्रॉ है जिसमें मैं नॉर्मली कढ़ाई वगैरह रखती हूँ, और एक ड्रॉ में जो ये पूजा वाले जो बर्तन हैं व्रत वाले वो रखती हूँ, एक ही में सब कुछ आ जाता है। बहुत लिमिटेड बर्तन रखी हूँ मैं, जिसमें से ये कुकर है और ये फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, तो इतने सारे बर्तन मैं फ़र्स्ट टाइम निकाल रही हूँ। जनरली मैं थर्सडे का व्रत करती हूँ तो फिर निकालती हूँ, तो इसमें मैं तेल का बॉटल, वो मसाले का डब्बा, ये सब कुछ मेरा ये शुद्ध है। फिर मैं एक नया स्कॉच ब्राइट भी ले रही हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए, रेगुलर वाले से नहीं करूँगी, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, तो मैं फटाफट से बर्तन क्लीन करती हूँ। और फिर उसके बाद से मैं सोच रही हूँ कि ना, मतलब एक तो सुबह सुबह लेट भी हो रहा है, नाश्ता भी बनाना है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ऑयल फिल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये रिफाइंड ऑयल, और जीरा है, नमक है, हल्दी है, ये सब मैं मसाले बॉक्स में भर लेती हूँ। मसाला नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे आज छोला बनाना है, तो छोले मसाले का डब्बा अभी नया ही है, डीमार्ट से लेके आए थे। बर्तनों के चक्कर में ना बहुत परेशानी होती है, मतलब क्या बोलूँ, जैसे हमारे बिहार में या मेरे घर में क्या होता है कि हम लोग का नॉनवेज का कुछ सेपरेट बर्तन होता है, किचन में नॉनवेज वगैरह नहीं बनता, तो इसलिए पूजा पाठ का खाना हो, फास्टिंग का खाना हो, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बट बाहर में जो भी लोग रहते हैं वो दो टाइप मैनेज करना मुश्किल होता है, बट सम हाउ मैंने किया है, मतलब मेरा पूजा में का खाना बनाने का बर्तन पूरा अलग है, बट वो दो आदमी में ना इतना ज़्यादा बर्तन, ऐसा लगता है कि 10-15 लोग घर में रह रहे हैं। और जनरली मैंने देखा है यहाँ बाहर में लोग क्या करते हैं, जैसे कि कुकर है, कढ़ाई है, जिसमें नॉनवेज बनाते हैं, उसमें पूजा का खाना नहीं बनाते, बाकी सब चीज़ में ओके रहता है, प्लेट वगैरह वैसे ही रहता है, बट थोड़ा सा वो कहते हैं ना दिमाग का फोबिया, उस चक्कर में पूरा रायता फैला हुआ है। आप ही लोग बताइएगा कि क्या करना चाहिए, आप ही मेरा डाउट क्लियर कीजिएगा। जीतू आज सुबह जल्दी उठ गया तो इनके साथ गया हुआ है वो लाने के लिए फ्रूट्स वगैरह। अब मैं यहाँ पे आ गई छोला बनाने, जिसमें हरी मिर्च है, गरम मसाले हैं, लवंग, दालचीनी, जावित्री, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ली हूँ, क्योंकि उससे ना वो बिना प्याज लहसुन वाला जो छोला बनता है उसका टेस्ट निखर के आ जाता है, तो एक्चुअली ये बहुत चटकता है ना हरी मिर्च, इसलिए मैं ढक देती हूँ। फिर साथ में लगे हाथ में टमाटर, हल्दी, नमक, ये सब कुछ डाल दे रही हूँ,
और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल दूंगी। और ये 7 मिनट मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है छोले का। आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि वो बर्तन निकाले धोए फिर काम करना शुरू। मेरा जी तो उठ गया बेटा, गुड मॉर्निंग जानू। ए जानू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। ए बेटा नहीं देखेगा, नहीं देखिए। जब भी उठ के डाइनिंग में आता है ना तो मैं कैसे भी समय निकाल के उसको प्यार करने जाती हूँ। गुड मॉर्निंग बोलो तो व्यूअर्स को, यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। जीतू के पास जाने से पहले मैं टमाटर रख दी थी ना कुकर में, तो वो गल गया था। जितने देर मैं जीतू के पास बैठी थी आई तो फिर मैं उसमें छोले डाली और फिर छोले मसाले थोड़े से। और ये देखिए यहाँ पे आ गया। एक्चुअली मॉर्निंग में ऐसे ही होता है, मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो जीतू वहीं पर रहता है, काम नहीं करने देता है, बहुत परेशान करता है गाइज़। लेकिन क्या करूँ ना, बच्चा भी है, खाना भी बनाना है और उधर रोहित ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। बीच में टाइम मिला था तो मैं आलू गोभी का भुजिया कट करके चढ़ा दी। सब्जी नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल में कुछ भी नहीं है। बिग बास्केट से सब्जी ऑर्डर करा था बट वो आया नहीं है टाइम पे, मतलब मॉर्निंग का स्लॉट दिया था 9:00 के पहले, आया नहीं। तो उसी चक्कर में मैंने सोचा कि अगर नहीं आएगा तो छोला रख दी थी रात को फुलने, तो चलो छोला हो गया और आलू गोभी का भुजिया बना दी। तो दो सब्जी हो गई और पनीर, मतलब पनीर नहीं, एक्चुअली क्या होता है 2 दिन पर मैं दूध को फाड़ देती हूँ, छेना निकाल को उसको भूज देती हूँ, उससे जीतू भी खा लेता है और हम लोग भी खा लेते हैं। तो ऐसा हो गया तो वो भी हो गया है। ये एक टिफिन तैयार कर दी हूँ फिर इसका। अभी घर पूरा फैला हुआ है गाइस, माई मत कीजिएगा, बच्चे वाला घर है, अकेले हूँ। इधर खाना भी बनाना है, जीतू का भी ख्याल रखना है और टिफिन भी बनाना है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है कवर अप कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग भी करना रहता है। तो यहाँ पर ये छेना पर दो गाजर बचे हुए थे तो वही डाल दिया। यहाँ पे मैं रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन दोनों ही अलग यूज़ कर रही हूँ। जनरली मेरे पास जो है पहले वाला वो एल्यूमिनियम का है जिसमें मैं डेली बेसिस में बनाती हूँ। ऐसे ना मतलब आज ऐसा फील हो रहा है कि यार बेकार में नॉनवेज खाते हैं, बेकार में सारा बर्तन नॉनवेज वाला किया हुआ है। क्या कर सकते हैं ना, डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, अंडा भुर्जी बनाए, ब्रेड ऑमलेट बनाए, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है चीज़ें। इस वजह से मैं नहीं रहती हूँ तो रोहित भी अपना बना लेते हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा तो ये इम्बैलेंस हो ही जाएगा। क्या मेरा खतरनाक वाला छोला, और इसमें अब मैं डाल देती हूँ धनिया पत्ता और सर्व करके दिखाती हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना गाइस कि कैसा लग रहा है ना। जिसमें रोटी, ये है छोले और आलू गोभी का ये वाला भुजिया मस्त वाला। हो जाए क्रीन तो मम्मा थोड़ा काम कर लेगी, आज बहुत काम कर लूँ। जीतू का और मेरा दोनों का नाश्ता लेके बैठी हूँ, जीतू को भी खिला रही हूँ, साथ साथ खुद भी करूँगी क्योंकि बहुत सारा काम है, हर 5 मिनट 10 मिनट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और क्या ना, आज मेहंदी भी लगवानी है तो आज, और मतलब रोहित के ऑफिस में एक उनकी कलीग है जो मेहंदी लगाते हैं तो वही आए हैं सारिका के साथ में, तो बड़ा हेल्प हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे तीज के दिन मेहंदी लग गई। सारिका जीतू के साथ खेल रही हैं, जीतू को इंटरटेन कर रही हैं, जीतू भी कम्फर्टेबल हो गया है सारिका के साथ में। तो गाइस आज का ये ब्लॉग अगर पसंद आता हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, खूब सारा प्यार देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग। तो ये देखिए जीतू की मस्ती। मैं तो सोची थी कि वो राउंड वाला जो होता है ना वही लगा लूँगी, बट लकीली ये आ गया। तो थैंक यू सो मच आने के लिए, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो। मैं भी हूँ वीडियो निकालने वाली। स्टार्ट हो गया। सो गाइस यहाँ मेहंदी लग चुकी है, ऑलमोस्ट लग गई है, बहुत ही खूबसूरत लगा है मेहंदी, ये देखो। और यहाँ लग रहा है, ये देखिए ये डिजाइन है बैक साइड, ये डिजाइन है फ्रंट साइड, इधर भी है और इधर भी है, तो इन्होंने लगाया है। हाय गाइस, और यहाँ पे सारिका कर रहे हैं ब्लॉग शूट, इनसे मिल लीजिए गाइस, बहुत दिन के बाद मिलना हुआ है। और क्या बोलना चाह रहे थे आप, कि आप भी हो? हम भी है, ये भाई साहब भी है जो अभी फिलहाल शांति है। हाँ सो रहा है जीतू अभी, एक्चुअली मैं
तो सारिका आए थे तो बाबू सो गया है उनके पास में ही, तो उसको सुला दिया गया। तब तक मेरा ये काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया है मेहंदी का।